लद्दाख 2023 की सीरीज के अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि मैं और मम्मी अपनी मारुति रिट्ज से ड्राइव करते हुए पहुंचे अपने घर छत्तीसगढ़ से लद्दाख, और अपने टूर के 21वें दिन हम पहुंचे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमरिंगला पास पे। इस ट्रिप के सारे वीडियोस ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट। तो हमारी यात्रा अब बिल्कुल अपने आखिरी चरणों में है। यहाँ से हमें घर पहुँचने में लगेंगे मुश्किल से 4 दिन। लद्दाख यात्रा के आफ्टर इफेक्ट्स मम्मी के चेहरे पे दिख रहे हैं। मम्मी भी थोड़ी सी काली काली ब्लैक ब्लैक हो गई हैं। चलो अब जल्दी चलो और कुछ पंजाब का चटपटा खाते। इस टूर का इफेक्ट सिर्फ मम्मी पे ही नहीं, मेरे पे भी दिख रहा है। आप यहाँ पे मेरे गले में देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का निशान पड़ गया है, और थोड़ी सी यहाँ पे इचिंग भी हो रही है। ये एक्चुअली में जो हुआ है, ये आई थिंक जो मैं जैकेट पहनता था, ये जैकेट पहना हुआ था, ये जैकेट का जो कॉलर है ये मेरे गले से लगता रहता था, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। अच्छे से इसमें तेल लगा लिया है, ठीक हो जाना चाहिए घर पहुँचते पहुँचते। इसका इलाज है कि नीम तोड़ लो और रात को अपन बॉयल करके लगा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। माओ के पास हमेशा देसी इलाज की भरमार होती है। हाल फिलहाल सामान अपना पूरा समेटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ये पठानकोट के सुबह सुबह का नज़ारा। मम्मी की दिन की शुरुआत हुई है नारियल पानी के साथ। बहुत दिनों बाद आज नारियल पानी मिला और बहुत स्वीट था। 9:48 हमारी आज तक की सबसे धीमी शुरुआत, सब की सब मम्मी की वजह से। हाँ वो तो है। मम्मी का नारियल पानी मैंने बनाया, मैंने मम्मी को नारियल पानी बना के दिया, उसमें 1 घंटा लग गया। यहाँ पे अमृतसली छोले कुलचा बहुत मिल रहा है। पंजाब है, पंजाब में छोले नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा। तो आज का प्रोग्राम है कुछ ऐसा, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, अंबाला और फिर बताऊंगी दिल्ली। 12 बज रहे हैं दोपहर के, 12:10 और ये जो टाइम है ये ब्रेक लेने के हिसाब से सबसे ख़राब टाइम है। धूप बिल्कुल ऊपर आ जाती है, कहीं पे छांव मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फिर भी पेड़ थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं इसलिए छांव मिल गई है। ये यूकलिप्टस के इतने बड़े बड़े पेड़ ये पंजाब में ही दिखते हैं हाईवे के किनारे। और जगह भी दिखते हैं लेकिन छोटे छोटे दुबले पतले होते हैं, यहाँ अच्छे मस्त होते हैं, एकदम मोटे हो रहे हैं। बड़े दिन बाद ऐसा हुआ है कि हाईवे किनारे आराम से खड़े हुए हैं। आई थिंक वहाँ तो अपन भाग ही रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। हवा भी तो कैसी चलती, बिल्कुल तीखी कि वहाँ बाहर घूमने की हिम्मत नहीं होती। हम लोग भी लाल काले पीले पड़ गए हैं। ये देखिए ये मेरा हाथ है, इधर से कलर अलग है, इधर से कलर अलग है। अरे मेरे तो बिल्कुल ही काले हो गए, देखो तो ऐसे पूरे पूरे। तो ये है मैरिटन होटल जालंधर। हम लोग ने अभी अभी जालंधर को ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा जालंधर पार करते करते, और मम्मी अपना बढ़िया चैन की नींद सोई हैं। और नींद आ रही है, रात को देर से सोए। जनरली मेरा जो गोप्रो कैमरा होता है वो इधर लगा रहता है, और दूसरा ये जो सेकेंड कैमरा है ये गाड़ी के इधर लगा देता हूँ जिससे सामने का भी रिकॉर्ड होता रहे। इसको मैं जब मेरा पहला टूर था स्पीटी का, मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ। लॉगिंग के इक्विपमेंट के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ता है माइक, कैमरा, बैटरी, काफ़ी महंगा इसका सामान होता है। अब ये जो गोप्रो है इसको मैं 3-3.5 साल चला चुका हूँ, आई थिंक इसको अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो अभी ये गोप्रो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये मैंने 1 साल पहले लिया है, GoPro 10। पॉसिबली शायद एक GoPro 10 में मेरे को और ख़रीदना पड़ेगा। ये आ गया बोर्ड, यहाँ लिखा है अंबाला 164, करनाल 239 और दिल्ली 364। तो जालंधर के बाद अगला जो शहर आता है वो है क्या मम्मी? लुधियाना। लुधियाना, लुधियाना में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रभजोत जी, जो बड़े दिन से हमको बोल रहे थे कि हम आए और उनसे मिलें। हर बार निकलना होता था बट हम लोग जल्दी में रहते थे, बट इस बार लगा कि उनसे मिल के ही जाते हैं। हमारे सामने उधर आगे होंडा सिटी चल रही है, प्रभजोत जी की गाड़ी वही है। मैंने उनको बोला था कि आप जल्दी मत आना, पहले मेरे को पहुँच जान दो फिर मैं आपको कॉल करूँगा, लेकिन वो पहले से ही यहाँ पे खड़े हुए थे। आपने पीने में कुछ लेना है अलग से? नहीं, आप गर्मा गर्म पहले। इतनी भाप निकल आई तो इतनी भाप वाली देखना बड़ा मुश्किल रहता है। तो फाइनली प्रभजोत जी से हमारी मुलाकात हो ही गई। हेलो, आई एम वेरी मच ग्लैड, आई एम वेरी मच हैप्पी आप आए। मैंने एक दो बार आपको शायद बोला होगा तो आप यू वर ओके विद इट, तो मुझे था कि आप लुधियाना पास कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप आओ। तो हियर वी आर, आंटी से मिलके बहुत खुश, बहुत खुशी हुई बहुत ज़्यादा। ये प्रभजोत जी की वाइफ है, नाम आपका? निका। पता है आपको देख के ना मोटिवेशन मिलती है सही में। अभी इस बार मम्मा आए थे तो मन कर रहा था कि कहीं जाएं घूमने के लिए। मेरा तो क्या होता था कि
घर में हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो लास्ट डे तो मेरे पैर ऐसे दुखते हैं, मैं कहती हूँ अब कब कार में बैठेंगे। काम सब निपटाने होते हैं ना, मेरी भी हैबिट है जब तक मैंने गाड़ी में बैठना नहीं सब चैन नहीं है। बढ़िया लगा, चलो और कभी भिलाई आइए, खुश रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टूर जब भी बनेगा आपका एक नाइट का स्टे चाहिए, जब भी आपने क्रॉस करना है रुक के जाना, आराम करके जाना, खाना पीना घर का खाएंगे, ठीक है, फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं रहेगी। बहुत अच्छा लगा, एकदम मस्त ये ना, आप ना बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। छोटी पैकिंग लेके आया हूँ, चना बर्फी है। तो लुधियाना का हॉल्ट थोड़ा लंबा हो गया, ऐसे बात करते करते और खाते खाते बहुत प्यारे बच्चे और इतने प्यार से मिले, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से ऊपर ना, ओके ओके बाय, थैंक यू। ये जा रहे हैं अपने घर लुधियाना और हम निकलेंगे सीधा दिल्ली की तरफ। शाम के बज रहे हैं 4 और हमने मात्र 187 किलोमीटर कवर किया है। आप गाड़ी उड़ानी है हवा में। सामने राइट साइड में लिखा हुआ है पानीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सब इसी रोड पे आगे जाके आएंगे। तो मैंने थोड़ा सा अपना जो आज का प्लान है उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया है। नोएडा तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आज शायद मैं नाइट हॉल्ट पानीपत में करूंगा। आज का दिन व्लॉगिंग का मेरा टफेस्ट दिन में से एक है, रीजन बीइंग मेरा ये गोप्रो का जो दूसरा कैमरा है ये पूरा एकदम डेड हो चुका है। बदल लेना था मेरे को पहले ही, लेकिन थोड़ी क्या है लेजीनेस, हाँ, तो इस वजह से आज मैं भी शायद आज का वीडियो आपको थोड़ा सा हो सकता है छोटा मिले, मुझे पता नहीं है, हो सकता है उतना मैं बना भी लूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है जग्गी सिटी सेंटर और ये आ गया है तीर कमान, मतलब क्या आ गया है मम्मी, अम्बाला में भी रुका जा सकता था लेकिन अभी 7:15 ही बज रहा है, अभी काफ़ी टाइम है अपने पास। हमारी गाड़ी का ऑर्डर दिखा रहा है कि आज हम चल चुके हैं 303 किलोमीटर। अम्बाला से दिल्ली जो हाईवे है इससे गाड़ी चलाओ तो एक नया भी एक्सपीरियंस होता है, साएं साएं गाड़ी आपके राइट लेफ्ट से निकलती हैं फुल स्पीड में। मेरी स्पीड ऐसा नहीं है कि कुछ कम है, मैं भी 70-75 में चला रहा हूं, लेकिन गाड़ियां ऐसे उड़ रही हैं मेरे बाजू से कि ऐसा लग रहा है कि मैं पैदल चल रहा हूं। रंगदुम आज तक सिर्फ अपने घर में पंचर हुई थी, लेकिन पहली बार हाईवे पे पंचर हुई है, लेकिन किस्मत से यहाँ मेरे को दिखा कि पंचर है और बिल्कुल सामने पंचर वाले की दुकान मिल गई, थैंक गॉड, नहीं तो रात को 8 बजे बहुत राइट लेफ्ट करना पड़ता। ये रहा अपना पंचर। तो ये चीज़ है जो टायर में घुसी हुई थी, आज अपनी किस्मत बहुत बढ़िया है, बहुत सही जगह पे टायर पंचर हुआ। तो यहाँ हम पी रहे हैं तंदूरी चाय, पंचर बाजू में ही बन गया और मम्मी बढ़िया मस्त यहाँ पे मॉल को घूम रही थी। ये सब कलरफुल देख के मेरा मन होने लगता है सब कुछ देखने का। लो मम्मी, आपके लिए मस्त मैंने इलायची वाली चाय बनवाई है। तो वो जो इलायची वाली हमने कुल्लड़ चाय पी उसने मेरे अंदर तो बिल्कुल एनर्जी पंप कर दी है, एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जी आ गई है। मम्मी ने चाय की सिप ली और उसके बाद गाड़ी में आके मस्त सो गई। सामने लिखा है करना लेक लेफ्ट, कैथल राइट, पानीपत सीधा, दिल्ली सीधा। यहाँ पे टोल नाके पे आगे लिखा हुआ है कि गाड़ी फंसी है, टैग ब्लैकलिस्ट, मतलब उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और जब ऐसा होता है तो या तो उसको डबल पे करना है जो वो करेगा नहीं, या फिर वो वहीं खड़े होकर रिचार्ज करेगा और तब तक हम सबको गधों की तरह यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये ऊपर सामने लगा हुआ है बोर्ड, पानीपत 16, सोनीपत 66 और दिल्ली 106। प्लान तो हमारा दिल्ली पहुँचने का था लेकिन हाल फिलहाल हम लोग नाइट हॉल्ट करेंगे पानीपत में। तो ये कर रही हैं मम्मी कल सुबह की तैयारी, ये नींबू और ये गर्म पानी के लिए। ये हमारा कुछ रूटीन बना हुआ है, मम्मी रात में नींबू और गर्म पानी की तैयारी कर लेती हैं और सवेरे उठ के उसको गर्म करना और खुद पीना और मम्मी को पिलाना मेरा काम है। पहले मम्मी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लेती थी कि मैं जल्दी उठ के इसको उठाऊंगी, तो सब मम्मी को करना पड़ता था, मम्मी आराम करती है। अब मैं व्लॉगर हो गई हूँ, मैं सीख गई हूँ कि क्या करना, क्या अपना काम है और क्या नहीं है। तो हमने चेक इन कर लिया है, होटल सिटी प्राइड है एक पानीपत में, जो हाईवे है बिल्कुल उससे लगा हुआ है। कल हमें
फिर से उड़ना है और यहाँ से निकल के पहुँचना है झांसी। झांसी लगभग 600 किलोमीटर है पानीपत से, थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस है बट आई थिंक इजीली हो जाएगा कल। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर मेरे पेज को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अम्मी शुरू हो जाओ। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।